ऑफ राइड को घूमने के लिए, तो ये वाली रोड देख सकते हो, ये है अपने प्रियांशु भाई जो कि आज हमारे साथ ऑफ राइड पे आएंगे। और पीछे से क्योंकि हमेशा बेवकूफ़ वाली बातें नहीं चलती, मतलब बातें तो अच्छी करता हूँ हमेशा, बट ये है कि अच्छी बातें करनी चाहिए। तो ये है दोस्तों, ये देख सकते हो यहाँ पे का व्यू चारों तरफ का, देखो उल्टा सुलटा। तो अभी वीडियो पूरी देखना, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ से अभी। सो ही गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट बॉय केविन। तो सुबह 8 बज रहे हैं, आज की वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। इंस्टा फॉलो कर देना यू क्या केविन, और फेसबुक फॉलो करने के लिए केविन को लिया। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 9, और अभी बन रही है इसमें आपकी मैगी, टेस्टी वाली 2 मिनट्स मैगी। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाने वाला था, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, और सामान ये देख सकते हो, यूट्यूब क्रिएटर फॉर इंडिया आज हिंदुस्तान के पेपर में छप रखा है, तो देख लेना। YouTube पर क्रिएटिव उद्यमियों ने भारतीय रोजगार में इतने अवसर पैदा करने की मदद की, और 683,000 फुल टाइम नौकरी हुई बराबर है। तो देख लिया, अभी मामू को बताते हैं न्यूज। तो बाहर का व्यू देख सकते हो, ये कुछ ये हो रहा है, और बाइक मैंने यहाँ पे रख रखी है अपनी। समझ रहा हूँ तुम्हारी बात को, तुम क्या कर रहे हो करके, हमारी एज हो चुकी है, हम उम्र ही कर देते। तेरी माँ बोली थी एक दिन तुम भी पकड़ लो हाथ में, हम क्या कर देते, हमारी एज हो चुकी है। क्या पकड़ रहा है वीडियो, ये मैं नहीं कर सकता क्या, ये करने कर लो, ये मैंने, तू मेरी फोटो ले रहा, मैं नहीं लूंगा किसी वाले की फोटो। सही बोल रहा, कितनी हिंदुस्तान की फोटो लेने वाला, नहीं लूंगा ना, उम्र हो चुकी है मेरी, वैसे भी चोट वाला आदमी हूँ, पारिवारिक कलह में हूँ, हम ही करके कर तो रहा हो एक। तो अभी मामू यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो ही देख रहे थे। हाँ यार, मैं क्या सुन रहा हूँ भाई, भजन सुन रहा हूँ बाबू। चलो सही है, सुनो ठीक है। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट बॉय गेमिंग। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं, बीच रास्ते से, और अभी हम जा रहे हैं ऑफ राइड को घूमने के लिए। तो ये वाली रोड देख सकते हो, ये है अपने प्रियांशु भाई जो कि आज हमारे साथ ऑफ राइड पे आएंगे, और पीछे से पकड़ेंगे अपने हिमांशु भाई कैमरा। तो अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं, आज इनको पहली बार ले जा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये नहीं आए हैं, मैं तो आते रहता हूँ इस रोड में। तो चलते हैं, देखते हैं आज ये कैसा चलाते हैं। मेरे फोन में तो वैसी वाली है ना, नॉइस नहीं आएगी, यहाँ से नहीं देख, यहाँ से डालनी चाहिए, ऐसे करना आज। हाँ ऐसे ही नहीं पकड़े, ये देख ठीक है, इतने में ही रखना। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए, और यहाँ पे मैं भी फेस में भी आ रखा हूँ, और इसमें भी आ रखा हूँ लाइव, तो देखते रहिए आप। तो दोनों काफ़ी आगे चले गए अभी, तो चलते हैं। तो अभी पकड़ रखा है अपनी हिमांशु भाई ने कैमरा, और ये पूरी ऑफ राइड है, देख सकते हो आप, एक गाड़ी की जगह जाने की भी नहीं है। तो दोनों बहुत आगे चले गए यार, दोनों को साथ ही आना था ना यार, हले तो आगे के व्यू देख ही सकते हो आप, जो आगे चल रहा है वो बहुत आगे चले गया यार। यार किस टाइप के यार, कहाँ चले गए भाई, ये देखो बाइक चलाते चलाते भी चैन। दोस्तों यहाँ पे बीच जंगल से व्यू देख सकते हो, और कुछ ये व्यू है, अभी आपको ऊपर से चारों तरफ से घुमा के दिखाता हूँ, काफ़ी तगड़ा व्यू है। तो यहाँ पे सब अपनी रील बना रहे हैं इंस्टा के लिए, तो ऊपर पे देख सकते हो चारों ओर से भाई पेड़ ही पेड़ है। तो आप अगर यहाँ पे होते तो कैसा लगता, कमेंट करके बताना। तो अभी यहाँ से आगे को चलते हैं, क्या हुआ इनको, तो कुछ ये सीन चल रहा है भाई, और अपना हिमांशु भाई पीछे बैठे है अभी, तो ऑफ राइड वैसे ही घूमने के लिए आए थे अभी हम, तो ये सीन हो रहा है भाई, देख सकते हो ये पराल गिर रखी है बीच रोड में, वो पीछे वाले कहाँ गए, और पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ है चारों तरफ, ये आ गए हैं दोनों भाई आगे की ओर, यहाँ से पूरा न्यूटन है। मानसू भाई अच्छा लगा आपको आज, यहाँ तो आप पहली बार आए होंगे ना, तो ये दोनों भी पहली बार आए, इनको मैं लेके आया आज इधर, मैंने बोला भाई तुम आज उधर नहीं इधर चलो, तुमको ऑफ राइड मैं दिलाता हूँ अच्छी वाली, अब इससे अच्छी ऑफ राइड तो कहीं और जगह होगी भी नहीं जहाँ तक मेरा ख्याल है। गाड़ी आवाज़ करने लग गई है भाई, बोला था मैंने जहाँ हम जाते हैं वहाँ कोई नहीं आ पाता है। सॉरी बट कुछ यही सीन हो रहा है। फिर कई लोग बोलते हैं भाई तुम वीडियो किससे बनाते हो, तो भाई मेरे पास कैमरा ही कुछ ऐसा है कि वो फ़ोन में भी काम आता है और वैसे बाइक में भी काम आ जाता है। अब यहाँ पे का यहाँ पे की ढलान देखना काफ़ी तगड़ी है, यहाँ पे नहीं आगे की है शायद मेरे ख्याल से। फ़ोटो उठ नहीं खींचोगे क्या तुम लोग, यहाँ हिमांशु फोटो नहीं खींच, नहीं यार क्यों यार, हैं भाई
फोटो नहीं खींचता यार तू कभी, क्या बात, तेरे को ना मैंने फेसबुक में फोटो अपलोड करते हुए देखा ना स्टोरी डालते, मतलब किस दुनिया में रहते हो आप, समझ नहीं आता मेरे भाई। हम कुछ नहीं है हमें एकांतवास चाहिए बस। कई लोगों को देखा है ना यार मैंने, मतलब फेसबुक से कोई वास्ता ही नहीं रहता भाई, और कई लोग तो इस टाइप के होते हैं फेसबुक में अलग ही दुनिया बनाए रहते हैं, मतलब फेसबुक में ही रहेंगे, स्टेटस भी डालेंगे और सारी अपनी फीलिंग जो जताएंगे स्टेटस के द्वारा जताएंगे, मतलब सही बोल रहे यार, मैंने देख रखे यार कई लोगों को डेली के 75 स्टेटस डालते हैं, अगर जैसे उस दिन उन्होंने खाना भी नहीं खाया होगा सुबह तो वो डाल देंगे स्टेटस में खाना नहीं खाया है, तो देख सकते हो भाई वो भी दिखाएंगे। कई लोग होते हैं, कई लोग इस टाइप, कई लोग फेसबुक ही फेसबुक में भी लड़ाई करते हैं भाई पोस्ट ही तो कई भयंकर ही है भाई, मेरे को लगता है कभी कभी टायर घुस ना जाए पत्थरों के अंदर ही, इतने तीखे पत्थर हो रहे हैं। केविन भाई तुम कब ब्लॉगिंग छोड़ोगे, अब तुम ब्लॉगर से भी कीन होने लगी है। हाँ यार सही कहा, छोड़ो यार हो गया। अभी ब्रेक में वो ही नहीं है, ऑयल ही नहीं है, ब्रेक ऑयल नहीं है, समझ रहे हो ना यार। आई लाइक इट यार केविन के ब्लॉग से, इसमें वो ही नहीं है ना यार, ब्रेक ऑयल बोले, ब्रेक ऑयल नहीं डाल लेंगे, सॉरी जो भी बोलते हैं वो, तभी वैसा कर रहे हो, टाइट हो रहे होंगे ब्रेक ना। हाँ बहुत टाइट, बहुत टाइट हो रहे होंगे वैसे ही, तभी करता है वो। अपनी तरह लगाता हूँ, टप होता है ऐसे लगा बेटा, टप तो होता ही यार ऐसे लगा रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हो, इतना मत डरो ना यार, बेटा नहीं हो अभी, ब्रेक से डर लग रही है उसी का, ब्रेक से ये ब्रेक चैप चैप टू टू कर रहे हैं। हाँ ऐसे ही होता है, वो आ गए पीछे से ऊपर से सूर्य देव आ रहे हैं, ये रियल में गाड़ी आ गई भाई, आज पहली बार देखा मैंने इधर गाड़ी आते, डरना नहीं है, डरना नहीं है, चलते रहो, वो अपने साइड चल देगा भाई। पहली बार देखा है मैंने गाड़ी आते हुए इधर आज, हाँ पहली बार देखा भी रियल में यार, मतलब आज तक तो कभी मैं इतनी बार आया आज तक कोई गाड़ी नहीं आई इधर से, चल कोई इधर, क्योंकि हमेशा बेवकूफ़ वाली बातें नहीं चलती, मतलब बातें तो अच्छी करता हूँ हमेशा, बट ये है कि अच्छी बातें करनी चाहिए, तो ये है कभी भी आप वीडियो बना रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो ना, तो बातें ऐसी करो जिससे दूसरे को नॉलेज मिले भाई, अच्छी मतलब वाली बातें भी करो, थोड़ा मजे वाली मजाक वाली बट कम, सीरियसली ज़्यादा करो बातें, समझ रहे हो। तो भाई मैं अभी फेसबुक में लाइव आ रखा हूँ, आप ये मत समझना कि भाई कहाँ बातें कर रहा हूँ मैं वाली बात है, तो अपना तो फेसबुक में भी चलता है, हर जगह चलता है लाइव, तो यहाँ से नीचे देख सकते हो, तो मेरे फ़ोन में स्पेस भी ख़त्म हो गई है भाई, 130 GB ख़त्म हो गई यार, वो 130 GB फुल हो गई, मतलब वाह बहुत बड़ी बात है, 130 GB। हाँ मेरे फ़ोन में मेमोरी 120 है, 130 है यार, ऐसी है ना, 8 GB तो रोम वही है यार भाई इसमें, हाँ 8 GB तो वही है, रैम रैम बोलते हैं, रोम बोलते हैं, रैम रोम जो भी होता है 128 वो है और 8 GB वो है, लेकिन ये रैम से कुछ नहीं होता है यार, मेन तो प्रोसेसर में वो होता है, वे मोबाइल का प्रोसेसर कैसा है तुम्हारा, तब जाके पबजी अच्छा चलेगा समझ रहे हो, सही बात है, रैम रोम तो 8 GB 6 GB 4 GB होती है ना जैसे, मतलब वो रैम वो बात अलग है, प्रोसेसर तगड़ा होना चाहिए फ़ोन का, तभी तो तुम्हारा ग्राफिक भी अच्छी दिखाएगा वो गेम में, हर चीज़ अच्छी दिखाएगा, जैसे मेरा कितने का 2.0 GHz बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार कुछ इस टाइप का है स्नैपड्रैगन, तो ये सब भाई प्रोसेसर का, प्रोसेसर में ही रखता है, मतलब मैंने रैम रोम से, रैम रोम तो सिर्फ तुम्हारा जो तुम जैसे काम करते हैं ना, हम जैसे हमने एक साथ हम 5 एप्लीकेशन ऑन करके बैठे हैं तो उस टाइम रैम काम आती है, जैसे 6 GB 8 GB रैम होती है ना हमारे फ़ोन में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन चला सकते हो मतलब उसमें, अब जो तुम गेम खेलते हो